ये है हरिद्वार का म्यूजिकल हाउस, गिटार बिल्डिंग का अनोखा डिजाइन। यहां मिलेगा मौसीकी का अनोखा और हैरत अंगेज तजुर्बा, हुनर को तराश कर बनाई घर की पहचान। मुल्क और दुनिया भर में आपको मौसीकी के एक से बढ़कर एक परस्तार मिलेंगे, और कुछ परस्तार अपने मौसीकी के शौक जुनून में क्या कुछ कर जाते हैं, इसका अंदाज़ा आपको उत्तराखंड के हरिद्वार में देखने को मिल जाएगा, जहां गिटार से मोहब्बत करने वाले एक नौजवान ने अपने घर का डिज़ाइन ही गिटार जैसा बनवा लिया। इस घर में मुतअद्दिद गिटार भी मौजूद हैं। हरिद्वार के कनखल इलाके में वाक़ संदेश नगर कॉलोनी में इंट्री करने के बाद इस अनोखे घर को तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कॉलोनी के सभी घरों के दरमियान खड़ा राहुल अरोड़ा का ये गिटार हाउस खुद ब खुद नज़र आ जाएगा, जिसकी बनावट इतनी खूबसूरत है कि आप इसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाएंगे। वक्त के साथ साथ राहुल अरोड़ा का मौसीकी के तहीं जुनून बढ़ता जा रहा है, और मौसीकी से उनकी दीवानगी इस कदर झलकती है कि घर का बाहरी हिस्सा तो गिटार के जैसा है ही, कमरों के अंदर का नज़ारा भी म्यूज़िक की दुनिया से कम नहीं लगता, क्योंकि घर के अंदर मौजूद पियानो, ड्रम और वायलिन आपको अलग ही एहसास दिलाएंगे। राहुल अरोड़ा को गिटार का इतना शौक़ है कि उनके घर में एक से बढ़कर एक गिटार रखे हुए हैं। राहुल अपने शौक को फॉलो करते हुए मकामी बच्चों को मौसीकी सिखा रहे हैं। वो बासलाहियत गरीब बच्चों को मुफ्त में मौसीकी सिखाते हैं। उनका कहना है कि इस तरह के काम से सुकून मिलता है और नई नस्ल भी इस जानिब रागिब होती है। सर, एक्चुअली इसमें हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, हम ये चाह रहे थे कि जैसे हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम इसको लोगों से और अच्छी तरह से जोड़ना चाह रहे थे। तो ये हमारे दिमाग में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आया कि हम क्यों ना उस चीज़ को इस तरह से प्रेजेंट करें कि वो हर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाए। हमारा तो ये होता है सर, हम गाइडेंस का काम पूरा प्रॉपर करते हैं, और हमारे बस एक कोशिश ये रहती है कि अभी जो देखा जाता है, कुछ लोग संगीत के लिए जैसे होता है कई बार कि कुछ कम आता है, लेकिन बच्चों को गलत ट्रैक पे डाल दिया जाता है, क्योंकि हम वही चीज़ को अपने सामने वाले के ऊपर रखना चाहते हैं जिसमें हम एक्सपर्ट हैं। तो मैंने सर अपना सिलेबस बनाया हुआ है प्रॉपर, बिल्कुल एक शेप बनाई हुई है जिसको अपने लिए आप ये समझ लीजिए, जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो हमारे को एक कंटेंट मिलता है पढ़ाई करने के लिए, वैसे ही मैंने म्यूज़िक डिज़ाइन किया हुआ है पूरा सिलेबस, मैं उसके थ्रू बच्चों की हेल्प करता हूँ। अपने शहर में मुनफरिद गिटार हाउस देखकर बच्चे और नौजवान बहुत खुश हो रहे हैं, और उनमें मौसीकी सीखने की तरगीब पैदा हो रही है। मैं यहाँ से गुजरा तो ये एक गिटार हाउस बन रहा था, तो मुझे इच्छा हुई सीखने की कि मैं कीबोर्ड सीखने की इच्छा हुई, तो मैं पापा को लेके यहाँ आया और मुझे बहुत अच्छा लगा। सर बहुत अच्छा सिखाते हैं, बेसिक्स पहले कीबोर्ड के बेसिक्स, जो भी इंस्ट्रूमेंट है उनके बेसिक्स सिखाते हैं, और फिर आगे जाके होता। जो अंदर जाके और मेरा पूरा दिल खुश हो गया, और अंदर म्यूजिक के एक से एक इंस्ट्रूमेंट रखे हैं, महंगे महंगे हैं, कॉस्टली हैं, और बच्चों को सीखने का बहुत अच्छा अवसर है, और दूर दूर से लोग इस हाउस को देखने के लिए आते हैं, गिटार हाउस को। राहुल अरोड़ा ने अपने हुनर को तराश कर इस तरह पेश किया है कि आज पूरे हरिद्वार में उनके इस अनोखे घर के चर्चे हो रहे हैं। यही नहीं, मुल्क व बैरून ममालिक के जो भी सयाह गंगा नगरी पहुंचते हैं, वो कनखल दक्ष मंदिर के पास वाकई इस गिटार हाउस को देखने ज़रूर जाते हैं। अपने हुनर को अपनी और अपने घर की अनोखी पहचान बनाने वाले राहुल की शोहरत आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क में फैल रही है, और उम्मीद है कि ये गिटार हाउस सिर्फ अपनी बनावट के लिए नहीं, बल्कि यहाँ मौसीकी सीख रहे हुनरमंदों की वजह से भी मशहूर हो। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।